नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। दो वर्षों के बाद अपने पारंपरिक मार्ग से प्रजा का हाल जानने निकले राजाधिराज महाकाल मनमहेश के रूप में विराजित हुए पालकी में। पवित्र श्रावण माह के प्रथम सोमवार राजाधिराज महाकाल राजा अपनी प्रजा का हाल जानने पारंपरिक मार्ग से नगर भ्रमण पर निकले। पालकी अपने निर्धारित समय अपराह्न 4 बजे महाकाल के आंगन से उठी। इसके पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पालकी का पूजन किया। मनमहेश के रूप में पालकी में विराजित महाकाल राजा को सशस्त्र पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पश्चात बाबा महाकाल कड़ाबीन के तेज धमाकों, घुड़सवारों के दल, पुलिस बैंड के साथ फूलों से लदी पालकी में अपने पारंपरिक मार्ग महाकाल रोड गुदरी चौराहा से कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचे। रास्ते भर जगह जगह आरती व पुष्प वर्षा कर बाबा की अगवानी की गई। रामघाट पर परंपरागत जलाभिषेक के बाद सवारी रामानुज कोर्ट होते हुए कार्तिक चौक, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार से गुदरी होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। श्रावण माह के प्रथम सोमवार देश प्रदेश व आसपास के ग्रामीण अंचलों से भक्त बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। सवारी में ढोल ताशों के साथ शंखनाद करती भजन मंडलियां भी सम्मिलित हुईं। इस वर्ष 6 सवारियों में द्वितीय सवारी 25 जुलाई, तृतीय 1 अगस्त, 8 अगस्त को चौथी, पांचवी सवारी 15 अगस्त व अंतिम शाही सवारी 22 अगस्त को नगर भ्रमण पर निकलेगी, जिसमें भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव तांडव होलकर मुख व सप्त धान्य के रूप में दर्शन देंगे। श्रावण माह के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल संपन्न हुई भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु, रतलाम से पदयात्रा कर दर्शन करने पहुंचे भक्त। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का पंचामृत अभिषेक किया गया व बाबा महाकाल का भांग व सूखे मेवों से मनोहारी श्रृंगार किया गया। इसके बाद भगवान को भस्म रमाई गई। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज द्वारा भस्मी पूजन किया गया। मंत्रोच्चार के बीच बाबा को भस्मी रमाते देख भक्त भाव विभोर हो गए। पश्चात दीप आरती संपन्न हुई। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के भक्त देश विदेश और प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से अन्य सुविधाओं के साथ तो यहां पहुंचते ही हैं, पर श्रावण माह में कई कांवड़ यात्री और अन्य भक्त सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा कर भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे ही रतलाम जिले के विक्रमगढ़ आलोट के अनादि कल्पेश्वर महादेव से 15 जुलाई को 3 महिलाओं सहित 22 लोगों का जत्था भरपूर बारिश में लगभग 100 किलोमीटर की पदयात्रा कर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए 3 दिनों में उज्जैन पहुँचा। इस बाबत श्रीमती शारदा देवी ने बताया। मैं बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है,
बहुत आनंद है, उसकी कृपा से भरपूर बरसात हो रही है और हम कामना यही लेके आए हैं विश्व शांति की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म के लिए सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सब में आपसी भाईचारा बढ़े, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, धर्म के प्रति समर्पित रहें और विश्व का कल्याण हो, खूब वर्षा हो, निरोगी रहें सब, ये कामना लेके महाकाल के दरबार में। स्वास्थ्य खराब होने पर युवती ने दवा समझकर पिया कीटनाशक, हुई मृत्यु। आगर रोड स्थित खेलड़ा ग्राम का है मामला। ग्राम खेलड़ा निवासी 22 वर्षीय युवती रानी पिता गोरेलाल ने स्वास्थ्य खराब होने के चलते घर में रखा कीटनाशक दवा समझकर पी लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भैरवगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला चिकित्सालय में शव विच्छेदन कराया। घटना के बाबत युवती के परिजन बंटू ने बताया। कारण तो कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या है कि दवा समझ के उनने पी ली है, तबीयत खराब थी उनकी और हमारी बुआजी शांत हो गई थी वहाँ पे, तो सब उनको ध्यान नहीं पड़ा, दवाई भी पास में रखी हुई थी, उसके कारण उनने दवा समझ कर उसको ध्यान नहीं पड़ा कि बोले ये दवाई है कि एसिड है, उसके कारण लिया उनने एक ढक्कन। चुनावी हार जीत की रंजिश में युवक पर हुआ प्राणघातक हमला। इंजीनियरिंग कॉलेज में युवक पर ताबड़तोड़ चाकू मारे गए। दरअसल वार्ड क्रमांक 31 की कांग्रेस उम्मीदवार नाजिया कुरैशी ने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की सलमा बी को पराजित कर दिया। इसकी रंजिश रखते हुए भाजपा प्रत्याशी सलमा बी के समर्थकों और परिजनों ने एक मत होकर नाजिया कुरैशी के समर्थक कोट मोहल्ला निवासी रेहान पिता करीम खान के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे उसके पैरों में कई घाव हो गए। घटना के संबंध में जिला अस्पताल में मौजूद फारूक परवेज ने बताया कि हमलावर 6 से 7 की संख्या में थे। छोटी सिस्टर जो चुनाव में लड़ी थी नगर निगम चुनाव में, और वो अच्छी मतलब वोटों से जो जीत गई थे, सामने की पार्टी थी अपोजिट पार्टी, हम भाई जो भी जीत का एक जश्न मना रहे थे, जश्न मनाना अपोजिट पार्टी के जो भी लोग थे, 7-8 लोग आए चाकुओं को लेकर और हमको पूरा डराया धमकाया कि यहाँ से भगो, जो बाबू ये करते हैं जान से मारने की धमकी कि तुम्हारी माँ की तुम्हारी हर शब्द गाली वाली सब पकड़ने लगता है। जब हम उनको याद तो समझाया तो वो लोग नहीं माने और एकदम मेरे भाई पे छोटे भाई पे एकदम चाकू लेके तोड़ रहे और उसके कम से कम 5 जगह इन्होंने पीछे कम से 5 घाव मारे और जान से मारने के बाद जान से मारने की धमकी दी कि अगर तुमने रिपोर्ट ली गई तो हम तुमको जान से मार देंगे, क्योंकि पूरा प्रशासन हमारा है, सब कुछ हमारा है। ये हादसा किस जगह हुआ? ये हादसा हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदौर रोड इंजीनियरिंग कॉलेज, और हम रहते हैं कोट मोहल्ले। वो जो सामने वाले के नाम क्या है? वो फारूक परवेज, हम हाँ बीजेपी से खड़े हुए थे और हम जो है कांग्रेस से खड़े हुए थे। जिनने चाकू मारा उनके नाम बताओ? उनके नाम 6 से 7 लोग हैं वो, जिसमें जुनैद है, फिरोज है, तोफीक है, सिद्दीक है, तोसीफ है, वो भी मतलब 6-7 लोग हैं, चेहरे सबको जानता हूँ और नाम भी लगभग सबको जानता हूँ, बाकी ध्यान में नहीं आ रहा, बाकी 7 लोग हैं, 7 से 8 लोग। बारिश के लिए बना सिस्टम अब कमजोर पड़ने लगा है, अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश के ही हैं आसार। वैधशाला में अब तक 330.6 मिलीमीटर यानी 13.22 इंच बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इधर शहर में दिन भर 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नमी वाली तेज हवा चलती रही, इससे दिन में तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य औसत तापमान से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम है। तापमान कम होने के बावजूद दिन में आर्द्रता 81% होने से उमस का असर बना रहा। रात में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रात में गर्मी और उमस से लोग परेशान होते रहे। शनिवार रविवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।